प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बहुत मजे की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है एक ग्रास हॉपर और एक चूंटी की। प्यारे बच्चों, ग्रास हॉपर और चूंटी एक दूसरे के आसपास रहते थे। चूंटी बहुत मेहनती थी और वह इस बात का हमेशा ख्याल रखती कि आने वाले वक्त में उसे कभी कोई परेशानी पेश न आए। जबकि ग्रास हॉपर बहुत ही सुस्त था, वो अपना ज्यादातर टाइम यहाँ वहाँ घूम फिर कर जाया करता। उसे जो कुछ पड़ा मिलता वो खा लेता। गर्मियों की एक दोपहर ग्रास हॉपर मजे से दरख्त पर बैठा गाने गा रहा था। एक चूंटी उसके पास से गुजरी और वो अपने साथ कुछ खाना लेकर अपने घर जा रही थी। ग्रास हॉपर ने सुस्ती से चूंटी को देखा और उससे पूछा, अरे चूंटी बहन, कहाँ जा रही हो? मुझको देखो, मैं कितने मजे से एंजॉय कर रहा हूँ। तुम इतना काम क्यों करती हो? इतना मजे का दिन है, आराम से एंजॉय करो। अरे यार, मैं तो पहले ही अपना काम एंजॉय कर रही हूँ। मैं दरअसल सर्दियों के लिए कुछ खाना इकट्ठा कर रही हूँ, जब बाहर बहुत ठंड होगी और हमें कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें भी मशवरा दूंगी कि तुम भी सर्दियों के लिए कुछ खाना इकट्ठा कर लो। ये कहते हुए चूंटी वहाँ से चली गई और अगले कुछ दिन तक भी ऐसा ही चलता रहा। चूंटी हमेशा अपने घर खाना लाती रही और उसे सर्दियों के लिए इकट्ठा करती रही, जबकि ग्रास हॉपर अपनी मौज मस्ती में मसरूफ था। कभी यहाँ जाता, कभी वहाँ जाता, उछलता कूदता और गाने गाता। बच्चों, फिर दिन गुजरते गए और सर्दियाँ आ गईं। सर्दी की ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी और साथ ही बर्फबारी और बारिश शुरू हो गई। सर्दी में सब कुछ फ्रीज हो गया और ग्रास हॉपर के लिए खाने को कुछ भी ना बचा। उसने सोचा कि वो चूंटी के घर जाए और उससे मदद ले, क्योंकि उसने सर्दी के लिए तो कुछ भी जमा नहीं किया था। ग्रास हॉपर उसके घर गया और दरवाजा खटखटाया। चूंटी ने दरवाजा खोला और उसे देख के हैरान रह गई। मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को चाहिए। चूंटी सारा मामला समझ गई, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि ग्रास हॉपर ने सर्दियों के लिए कोई खाना इकट्ठा नहीं किया। चूंटी ने ग्रास हॉपर को कुछ खाना दिया। ग्रास हॉपर खाना खाकर बहुत खुश हुआ और उसने चूंटी का शुक्रिया अदा किया। ग्रास हॉपर ने चूंटी से वादा किया कि वो अगली बार सर्दियों के लिए खाना जरूर जमा करेगा और अपना वक्त सिर्फ खेल कूद में ही जाया नहीं करेगा। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने आने वाले वक्त के लिए पहले से प्लानिंग करनी चाहिए। हमें कीमती वक्त को खेल कूद में और हंसी मजाक में जाया नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसको अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।